तो उत्तरकाशी के सिलकेरा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब नई खबर सामने आ रही है। दरअसल टनल हादसे के बाद दोबारा निर्माण कार्य होने से यहां पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और अब अगले आदेश तक सुरंग के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। टनल के निर्माण का काम दोबारा शुरू होने से पहले मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम आज सुबह 11 बजे टनल हादसे वाली जगह पर पहुंचेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम में 7 लोग शामिल हैं, जो निर्माण कार्य के दौरान हुई खामियों की जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। बता दें, सिलकेरा टनल में भूस्खलन के बाद 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रैट माइनर्स की टीम बारी बारी से अंदर जाकर बिना रुके खुदाई का काम करती थी। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। इसके बाद पाइप की सुरंग से एनडीआरएफ की एक टीम फौरन मजदूरों तक पहुंच गई और फिर बिना वक्त गंवाए एक एक करके 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम सुरंग में पहिए लगे स्ट्रेचर के साथ पहुंची थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम ये नहीं चाहती थी कि इतने दिनों से टनल में फंसे मजदूर रेंगते हुए 32 इंच चौड़े पाइप से बाहर आए। इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया था। मजदूरों तक पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर बाहर की तरफ खड़े जवानों ने उन्हें रस्सी की मदद से आसानी से खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से एक मजदूर को पाइप की सुरंग से बाहर आने में महज 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगा। इसी तरह एनडीआरएफ के जवानों ने सभी मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रैट माइनर्स की टीम आसानी से ड्रिल करते हुए मजदूरों तक पहुंच गई, बल्कि 12 मीटर की खुदाई करने के दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मलबे में आगे की तरफ सरियों और लोहे के पाइपों का जाल बिछा था, जो रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उन लोगों को सरिये और लोहे के पाइपों को काट कर खुदाई का काम जारी रखना था। ऊपर से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर लोहा काटना नाको चने चबाने जैसा था। हालांकि रैट माइनर्स की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। गैस कटर से हमने उसको कटवाया, वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सुरंग में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि 1 मीटर की खुदाई करने में उन्हें करीब 2 घंटे का वक्त लगता था और इस दौरान कई बार उनका सामना लोहे के पाइप से हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने का काम पूरा किया। जैसे ही रैट माइनस की टीम ने आखिरी हथौड़ा मारकर मलबे की दीवार तोड़ी, सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूर खुशी से चिल्लाने लगे। खुशी के मारे मजदूरों ने रैट माइनस की टीम से जुड़े लोगों को गले लगा लिया, क्योंकि 12 नवंबर से सुरंग में फंसे लोगों के लिए रैट माइनर्स की टीम में शामिल लोग किसी देवदूत से कम नहीं थे। ये वो लोग थे जो 17 दिन बाद उन तक पहुंचने में कामयाब हो पाए थे। इसी वजह से जैसे ही रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूर सुरंग में पहुंचे, वहां फंसे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुदाई करने वाले मजदूरों के मुताबिक उन्हें देखते ही सुरंग में फंसे मजदूर खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। न्यूज 18 की टीम ने रैट माइनर्स की टीम में शामिल उस मजदूर से बातचीत की जिसने आखिरी हथौड़ा मारकर मलबे की दीवार तोड़ी थी। इतनी जगह थी कि सिर्फ मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया। मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगह उसके बाद ही की है, पहले उनसे मिलने के बाद। टनल में फंसे हुए मजदूरों को रैट माइनर्स की टीम ने भले ही 24 घंटों के अंदर ही निकाल लिया हो, लेकिन टीम के लोगों के मुताबिक अगर इस काम में उन्हें कई दिनों का वक्त भी लगता तो वो बिना रुके इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी तैयार थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर सुरंग से निकाले गए सभी मजदूरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वो सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात करने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में मौजूद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी 41 मजदूरों से मिलकर उनका हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन सभी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस ऑपरेशन की लगातार निगरानी करने के लिए उनकी सराहना की। जब मजदूर सुरंग में फंसे थे तब पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए थे, बल्कि उन्होंने मजदूरों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया था।